हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी को ब्रोकली का सब्जी बनाना बताऊंगी। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, ये मैं फ्रेश ब्रोकली मार्केट से ले आई हूँ। इसे मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में हमें इसे तोड़ लेना है, या आप चाकू का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैं ब्रोकली को छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली हूँ। ये हरा मिर्च, ये धनिया पत्ता, ये टमाटर, ये प्याज, इन सभी को मैं अच्छे से धोकर कट कर ली हूँ। ये लहसुन आदि का पेस्ट है, ये छौंक लगाने के लिए तेज पत्ता, जीरा और लाल मिर्च, और ये गोलकी पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर है, ये स्वाद अनुसार हल्दी नमक है। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी को हमें पहले गर्म कर लेना है। इसमें थोड़ा नमक डाल देना है, इसमें ब्रोकली को डालकर हल्का सा गर्म पानी में धो लेना है हमें। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैं गर्म पानी में अच्छे से धो ली हूँ और इसे छान ले रही हूँ दूसरे बर्तन में। अब मैं इसे फ्राई करूंगी। इसके लिए कढ़ाई हमें गर्म कर लेना है, सरसों तेल को हमें डाल लेना है। मैं इसमें छौंक लगा दूंगी, जीरा, तेज पत्ता, लाल मिर्च से, प्याज को भी डाल दे रही हूँ, लहसुन पेस्ट आदि पेस्ट को भी डाल दे रही हूँ, हरे मिर्च को भी डाल दे रही हूँ। सभी को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। चलाते रहना है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैं फ्राई कर ली हूँ। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार हल्दी नमक डाल दे रही हूँ। इसे भी अच्छे से मिला लेना है हमें। टमाटर को भी मैं डाल दे रही हूँ, अच्छे से फ्राई कर लेना है। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये हमारे सेहत के लिए ब्रोकली। इस तरीके से बनाने पे बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग भी इस तरीके से एक बार बनाकर ज़रूर देखें। बनाना भी बहुत आसान है। ये ब्रोकली मैं डाल दी, इसे मैं अच्छे से मिलाकर 10 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मिलाकर हमें अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं गोलकी पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर को भी डाल दी हूँ। इसे भी अच्छे से मिला लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर भी गल गए हैं फ्राई कर करके। ब्रोकली भी अच्छे से फ्राई लगभग हो गया है। अब मैं धनिया पत्ते को डाल दे रही हूँ, इसे भी मिला लूँगी अच्छे से मैं। ये देखिए फ्रेंड, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं हल्का पानी को डाल दे रही हूँ, भी अच्छे से मिला लूँगी। आप अगर ग्रेवी नहीं रखना चाहते तो पानी को नहीं भी डाल सकते हैं। हल्का ग्रेवी मैं रख रही हूँ, इसलिए थोड़ा पानी डाल दी हूँ। ऐसे ढक कर थोड़े देर के लिए, 5 मिनट के लिए मैं पकने दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं चेक कर ले रही हूँ, हो गया है हमारा ये सब्जी बनकर तैयार। बहुत ही यम्मी बना है हमारा ये सब्जी। आप लोग भी इस तरीके से एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।